संभल में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 7 बारातियों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। संभल में एक बार फिर खूनी सड़क ने 7 लोगों को अपनी आगोश में समा लिया, जबकि कई मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। 7 लोगों की दुखद मौत उस वक्त हुई जब बारात से भरी बस अचानक खराब हो गई। सड़क किनारे बस को खड़ा कर चालक अभी संभला भी नहीं था कि पीछे से तेज रफ्तार एक अन्य डग्गामान बस ने बारात से भरी बस में टक्कर मार दी। हादसे में जहां 7 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। विभत्स हादसा देर रात्रि मुरादाबाद आगरा हाईवे पर घटा। बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम लहरावन के पास हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि बारात से भरी एक बस अचानक खराब हो गई, जिसे बस चालक सड़क किनारे खड़ा करके ठीक करने लगा। इसी दरमियान एक अन्य तेज रफ्तार डग्गामार बस ने पीछे से बारातियों से भरी बस को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों बसें चकनाचूर हो गईं। बारातियों से भरी बस में सवार 7 बारातियों की तो बस में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साथ बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। किसी तरह बस के अंदर दबे शवों को निकाला गया, जबकि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। उधर बताया जा रहा है कि जिस तरह से कई लोग घायल हैं और उनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बाहर हाल वारदात के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी, इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद।